चंगेज मूवी के 10 ऐसा फैक्ट जो हिंदी ऑडियंस को जानना चाहिए। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन कहीं भी गलत हो गया प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट में करेक्ट कर सकूं। नंबर 1, चंगेज पहली बंगाली फिल्म नहीं है जो कि हिंदी में रिलीज हो रही है, लेकिन पहली ऐसी बंगाली फिल्म है जो बंगाली के रिलीज के दिन ही हिंदी डब के साथ रिलीज हो रही है। मतलब इस बार सबसे बड़ा अप्रोच लिया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, चंगेज के टीजर में हम जिस एक्शन को देख पा रहे थे उनका डायरेक्शन किया है स्टंट सिल्वा, मतलब जिन्होंने थालापति विजय का मास्टर, रोबोट 2.0, मारी 2 एंड रिसेंटली गॉडफादर में स्टंट डायरेक्टर का काम किया था। आज जितने भी आंचलिक फिल्म हिंदी लैंग्वेज में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुआ है, लगभग हर फिल्म मसाला फिल्म था, चाहे पुष्पा हो जाए, चाहे KGF, कंटारा या तो RRR पकड़ लो। आई होप चंगेज के साथ भी ऐसा कुछ हो। नंबर 4, इस फिल्म में लीड एक्टर जीत एक गैंगस्टर का रोल निभा रहे हैं और उनके अलावा सुष्मिता लीड एक्ट्रेस, रोहित रॉय एक पुलिस ऑफिसर जिन्होंने LOC कारगिल जैसा मूवी में काम किए हैं, इसके अलावा ऋतिक रोशन के साथ काबिल और लास्ट G5 की फॉरेंसिक मूवी में काम किए हैं। इनके अलावा सतफ फिगर जिन्होंने शेरशाह जैसी फिल्म में काम किया है वो भी इस फिल्म में रहने वाले हैं। मूवी में नीरज पांडे और राजेश गांगुली मिलके कहानी लिखे हैं। नीरज पांडे का बेबी MS धोनी दांटो स्टोरी आपने तो देखे ही होंगे। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जीत एक्चुअली करियर के शुरुआती दौर में एक हिंदी मूवी में काम किए थे जिसका नाम है सूरज ढलने के बाद। इनफैक्ट टी सीरीज के म्यूजिक एल्बम में भी काम किए हैं, तेलुगु मूवी में भी काम किए हैं। फैक्ट नंबर 6, चंगेज फिल्म के हिंदी डब में जीत खुद अपना आवाज दे रहे हैं जो सुनने में बड़ा ही दमदार लग रहा है। चंगेज का युग होता युग एरा। फैक्ट नंबर 7, चंगेज मूवी का बजट सिर्फ 5 करोड़ है एंड बाय गॉड अगर ये फिल्म हिंदी में चल गई बंगाल में आई हुई मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी बन जाएगा ये फिल्म। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में एक सॉन्ग अरिजीत सिंह गाने वाले हैं, बंगाली और शायद हिंदी दोनों में ही गाने वाले हैं। बंगाली तो श्योर गाने वाले हैं लेकिन हिंदी का अभी मैं श्योर नहीं हूँ। फैक्ट नंबर 9, चंगेज एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म है। फिल्म का टीजर रिलीज से पहले एक र्यूमर आया था कि यह फिल्म डल्की उर सलमान की फिल्म कुरूप से छपा गया है, लेकिन टीजर के बाद सबका मुंह बंद हो गया। हालांकि कुछ हेटर्स इसे KGF के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म अगर KGF का 1/4 कमाई भी कर लिया तो प्रॉफिट का परसेंटेज शायद KGF से ज्यादा होगा। फैक्ट नंबर 10, ये फिल्म ईद यानी 21 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो रही है जिस दिन सलमान खान का किसी का भाई किसी का जान फिल्म आ रही है। सोचो सलमान खान वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर इन इंडिया जिसका फिल्म का स्टोरी अगर घटिया भी हो जाए तो भी फिल्म हिट हो जाता है, तो उनके साथ चंगेज कॉम्पीट करने आ रहे हैं। लेकिन चंगेज का टीजर का जो रेस्पॉन्स आया है वो बहुत ही हाइप क्रिएट कर रहे हैं हिंदी ऑडियंस के बीच में भी। और चंगेज के साथ एक प्लस पॉइंट भी है, ईद का मौका है, फेस्टिवल का माहौल रहेगा, मतलब लोगों के पास टाइम रहेगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, इस फिल्म का टीजर रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव है, बस ट्रेलर का इंतजार है जो कुछ दिन के अंदर आने वाली है और वो अगर अच्छा हुआ तो लोग भाग के जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, चंगेज पहले दिन ही अपना बजट कवर कर लेगा या हम ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? बाकी आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हो शेयर कर सकते हो, देखते हैं कौन कितना सही है। बाकी टाटा।